अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर मशरूम चिली, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पनीर। मैं आज ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, तो उनकी वजह से मैंने ज़्यादा लिया है, तो सोचा मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। इस तरह से मशरूम को छोटा छोटा काट लेंगे। अगर आपको इससे भी छोटा पीस करना है मशरूम का तो आप कर सकते हैं। और प्याज का भी ऐसे, हम लेयर जो होती है प्याज में, वो सारे लेयर्स को ऊपर से जितनी लेयर निकल जाए उतनी लेयर निकाल लेंगे और उसको भी स्क्वायर पीस में ऐसे हम कट कर लेंगे। बस इसको स्क्वायर पीस में कट कर लें। और बाकी सब्जियों को भी लगभग हम मैंने एक ही तरह का पीस काटा है, साइज़ लगभग लगभग सेम है, ये शिमला मिर्च का भी और टमाटर का भी। और बस सब्ज़ी आपकी रेडी है। और मसाले में है लहसुन, सरसों 1 से 2 चम्मच हमें लगेगा, ये लहसुन लगेगा हमें 1 से 2 चम्मच लहसुन भी, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, शेजवान सॉस और कॉर्नफ्लावर, नमक और फ्राई करने के लिए ऑयल। कॉर्नफ्लावर भी हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर लपटा हुआ रहता है पनीर में तो अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा कम में भी अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से उसको भी देख लेंगे, उसको जैसा पसंद हो। अब इसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच के करीब, 4 से 5। अब इसमें हम डालेंगे शेजवान सॉस 1/2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1/2 चम्मच, यहाँ पर आप रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकती हैं, सोया सॉस 1/2 चम्मच, लहसुन भी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच सरसों का पेस्ट। कुछ लोग इसमें अंडा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज अंडा डाल के नहीं बना रही हूँ, बिना अंडे का बना रही हूँ। नमक 1/2 चम्मच, अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये सारा मसाला जो है सारा पनीर और मशरूम पर अच्छी तरह कोट हो जाए। इसमें हमने पानी नहीं मिलाया, बस जो पनीर का जो पानी होगा या मशरूम में जो थोड़ी नमी होगी बस उस पर ये कोट हो जाएगा, और मसाले का अपना थोड़ा बहुत पानी होगा, इससे ये एक अच्छी सी कोटिंग देगा सारे मशरूम और पनीर को। बस इसी तरह इसको अच्छी तरह मिला लेना है। इसको उलट के पलट के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस ये रेडी है, अब इसको हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। अब गैस पर हम चढ़ाएंगे, गैस पर रखेंगे कोई भी कढ़ाही या पैन जो भी आपके पास हो वो, उसमें आप डालिए ऑयल भी, ज़्यादा ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं कि एक बार में ज़्यादा अमाउंट फ्राई होके निकलेगा। अगर आप कम ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिए, कम ऑयल में भी फ्राई हो जाएगा ये। एक पनीर डाल करके चेक करेंगे, ऑयल गर्म हो गया है,
अब हम इसको ऐसे अलग अलग, थोड़ा सा ध्यान से इसको फ्राई करेंगे कि सारा जो है ये आपस में चिपके ना, फिर भी ये चिपकेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको कोशिश करेंगे कि सब अलग रहें। वैसे ही ऐसे ही अब हम अपने मशरूम और पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे मशरूम और पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा लाल भी नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है, बहुत अच्छा सा गोल्डन तलना है इसको। अब ये मशरूम और पनीर हमारा फ्राई हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी जो एक घोल तैयार करेंगे, जिसमें हम डालेंगे चिली सॉस, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस 2 चम्मच, 2 से 4 चम्मच, 1-2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच के करीब शेजवान सॉस, और ये हनी है शहद, ये 1 से 1.5 टीस्पून हनी इसमें डालेंगे हम। ये थोड़ा सा सारे जो सॉस है इसका जो खट्टापन होता है, उसको मसाले के खट्टापन और नमक को बैलेंस कर देता है और एक टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इससे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और पानी देके इसको एक घोल तैयार करेंगे इसका। एक पतीले में या बड़ी कढ़ाई जो भी हो, जिसमें आपको हो जाए, जिसमें उसमें आप डालिए तेल, और ये जो बचा हुआ 1 चम्मच के करीब लहसुन ये डालेंगे, और आधा चम्मच सरसों डालेंगे। आधा चम्मच सरसों जो है वो उसके पनीर में डाला था फ्राई करने में, और आधा ऐसे डालेंगे बस। इसको 2-4-5 सेकेंड ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, इसको ब्राउन नहीं करना। बस ये जो घोल डाला है इसको डालना, अब इसको आपको कंटिन्यूसली चलाना, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर जो है नीचे जमने लगेगा, चिपकने लगेगा, तो बस आपको जल्दी जल्दी चलाते रहना है और इसको बॉयल होने देना है। उसके बाद हम सारी सब्ज़ी मिला देंगे इसके अंदर। ये सारी सब्ज़ी मैंने मिला दी, थोड़ा पानी डाल दिया, अब थोड़ा सा इसको पकने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि प्याज का, शिमला मिर्च का, टमाटर सबका क्रंच रहना चाहिए, घुलना नहीं है किसी चीज़ को, उसमें क्रंची रहेगी सब्ज़ी सारी। इस स्टेज पर अपना नमक भी देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि कम ज़्यादा जो भी, बस पनीर और मशरूम डालिए, इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह, और पानी भी अगर आपको सूखा रखना, ड्राई रखना, तो बस ऐसे ही रहने दीजिए इसको। और अगर आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, मुझे थोड़ी आज ग्रेवी चाहिए तो मैं पानी मिलाऊंगी, थोड़ा सा इसको गीला रखूंगी। बस ये अब सर्व करने के लिए रेडी है।
इसको ये सेसम सीड से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी, हल्का देखने में अच्छा लगेगा बस। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।